आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 10104 मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के दरमियान में चलने वाली मांडवी एक्सप्रेस के बारे में। ट्रेन टाइप की अगर बात की जाए तो ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और रेक जोन की बात की जाए तो कोकण रेलवे जोन इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। फर्स्ट इनॉग्रेशन की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो 8 जनवरी 1999 को इस ट्रेन को फर्स्ट टाइम चलाया गया था मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में। डिपार्चर की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो ये ट्रेन मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है मॉर्निंग में 8:30 को। लगभग 580 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद ये ट्रेन रात में 9:45 को मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 18 में पहुंच जाती है। ट्रेवलिंग टाइम की अगर बात की जाए इस ट्रेन में मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में 13 घंटे 15 मिनट का समय लगाती है ये ट्रेन। इस दरमियान में इस ट्रेन के 18 स्टॉप होते हैं और टोटल डिस्टेंस 580 किलोमीटर का सफर तय करती है। एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और मैक्स परमिसेबल स्पीड की बात की जाए तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। पैंट्री और कैटरिंग की बात की जाए इस ट्रेन में तो पैंट्री कार लगा हुआ रहता है। ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की भी सुविधा आप लोग को इस ट्रेन में देखने के लिए मिल जाती है। रेक की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो LHB रेक के कोच लगे रहते हैं और कोच कंपोजिशन की बात की जाए इस ट्रेन में तो SLR का एक कोच लगा रहता है, EOG का एक कोच लगा रहता है, जनरल के 4 कोचेज लगे रहते हैं, AC 3 टायर इकोनॉमी के 2 कोचेज लगे रहते हैं, AC 3 टायर के 4 कोचेज लगे रहते हैं, AC 2 टायर का एक कोच लगा रहता है और AC HA1 फर्स्ट क्लास का एक कोच लगा रहता है, पेंट्री कार का एक कोच लगा रहता है और स्लीपर के 7 कोचेज लगे रहते हैं। टोटल इस ट्रेन में 22 कोचेज लगे रहते हैं। टिकट प्राइस की अगर बात की जाए इस ट्रेन में मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में तो जनरल में आप लोगों को ₹185 देने होंगे, स्लीपर में आप लोगों को ₹405 देने होंगे, AC 3 टायर इकोनॉमिक में ₹1,015 देने होंगे, AC 3 टायर में ₹1,100 देने होंगे और AC 2 टायर में आप लोगों को ₹1,575 देने होंगे और इसी के साथ में AC HA1 फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ₹2,640 देने होंगे मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में। रेक शेयरिंग की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो ये ट्रेन अपने रेक शेयर करती है ट्रेन नंबर 20111 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मडगांव जंक्शन के दरमियान में चलने वाली कोकण कन्या एक्सप्रेस और इसी के साथ में ट्रेन नंबर 20112 मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के दरमियान में चलने वाली कोकण कन्या एक्सप्रेस के साथ में ये ट्रेन अपने रेक शेयर करती है। लोकोमोटिव की अगर बात की जाए इस ट्रेन में मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में BSL का Wave 4 और इसी के साथ में कल्याण लोकोशेड का Wave 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन में लगाया जाता है मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन के दरमियान में। स्टेशन और शेड्यूल की बात की जाए इस ट्रेन में तो ये ट्रेन मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है मॉर्निंग में 8:30 को। इस ट्रेन का पहला स्टॉप होता है कारमाली रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 9 बजे का और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप होता है थिविम रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 9:20 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप होता है परनेम रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 9:32 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का चौथा स्टॉप होता है सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 10:02 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का पांचवा स्टॉप होता है कुदल रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 10:22 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का छठवा स्टॉप होता है सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 10:38 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का सातवा स्टॉप होता है कनकौली रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 11 बजे का और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का आठवा स्टॉप होता है वैभववाड़ी रोड रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 11:30 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का नौवा स्टॉप होता है राजापुर रोड रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 11:48 और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का दसवा स्टॉप होता है आदावाली रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 12:40 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का ग्यारहवा स्टॉप होता है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम होता है 2 बजे का और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है और अब तक इस ट्रेन ने 200
236 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। इस ट्रेन का 12वां स्टॉप होता है संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 2:45 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का 13वां स्टॉप होता है चिपलून रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 3:30 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का 14वां स्टॉप होता है खेड़ रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 4:02 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का 15वां स्टॉप होता है मानगांव रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 5:08 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का 16वां स्टॉप होता है पनवेल रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 7:10 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। अब तक इस ट्रेन ने 514 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। इस ट्रेन का 17वां स्टॉप होता है थाना रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 8:37 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का 18वां स्टॉप होता है दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अरेवल टाइम होता है 9:07 का। इस ट्रेन का यहाँ पर ठहराव रहता है। इस ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन होता है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 18 में पहुंच जाती है रात में 9:45 को। अब तक इस ट्रेन ने 580 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। तो ये थी आप लोगों के लिए ट्रेन नंबर 10104 मडगांव जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के दरमियान में चलने वाली मांडवी एक्सप्रेस की फुल इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।